आप देखना स्टार्ट कर चुके हो अर्न विथ एसएसटी एंड मैं हूँ स्वाति। आप लोगों का जो अभी के डेट में मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है यूएफओ गेमिंग, उसके बारे में आप लोग कई बार पूछ चुके हो, तो उसी प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें यूएफओ गेमिंग क्या है, तो ये एक्चुअली में एक डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक ब्रिज आउट मतलब ब्रिज बना रही है ट्रेडिशनल गेम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाने के लिए, और यहाँ पे प्लेयर जो है इस गेम को प्ले आउट करके अर्निंग भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर प्ले टू अर्न तो गेम हो ही गया है कि आप गेम प्ले करके अर्निंग कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ ये एक एनएफटी प्रोजेक्ट भी है। और इसकी एनएफटी की बातें कर ले तो ये बहुत ज्यादा यूनिक है एनएफटी, जिसको कि लोग बाय सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर भी वर्क करती है, और मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि 26th ऑफ जन जो अपना रिपब्लिक डे था 2022 का, वहां पर भी जो झांकी निकाली जाती है उसमें प्रेजेंटेशन था एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को जो है ग्रैप्स कर रही है यहाँ पे, और मेटावर्स टेक्नोलॉजी किस तरीके से बूमिंग है। और आज के डेट में आप देख रहे हो कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मेटावर्स टेक्नोलॉजी मोड करिए वो कितना ज्यादा बूम पे जा रही है। लेकिन यूएफओ गेमिंग भी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेटावर्स के साथ यहाँ पे डार्क मेटावर्स टर्म यूज किया गया है। ये डार्क मेटावर्स क्या है वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से ये सब टर्म जो है प्रोजेक्ट पे इफेक्ट करेगी। एक्चुअली में यूएफओ गेमिंग प्रोजेक्ट जो है दो टोकन यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन है, एक यूएफओ है और एक यूएपी है। तो बेसिकली यूएफओ जो है प्राइमरी यूटिलिटी टोकन है और यूएपी जो है आपको ये सर्विंग एज ए सेकेंड टोकन है। क्या डिटेल में है सारा चीज डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में आपको बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सारे जो 4-5 टर्म है यहाँ पे ये किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगी, किस तरीके से आप इसको फ्री में भी अर्निंग कर सकते हो, एंड काफी कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए कि जिस तरीके से माना सैंड इतना ज्यादा प्रॉफिट दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्चुअल लैंड भी आप बाय सेल कर सकते हो इसके एनएफटी मार्केट प्लेस पे। तो उसके बाद गाला भी लाइन में खड़े है, उसका भी पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर यूएफओ गेमिंग का पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट दे, क्योंकि अभी जो है इसका करंट प्राइस बहुत कम चल रहा है। तो सारे चीज डिटेल में जानेंगे, उसके बाद क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए वो भी जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट से देखिएगा, एक कंक्लूजन पार्ट आएगा उसको देखे बिना वीडियो को लीव आउट मत करिएगा। अपने चैनल पे इस मंथ का $150 का गिव अवे चलाया जा रहा है, जो कि आपको फैब एंड को जो है जब मंथ एंड होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं यूएफओ गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिशनल गेम को ब्लॉकचेन पे ला रही है, और वहां से प्लेयर जो है गेम प्ले करके अर्निंग कर पाएंगे। अगर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे अभी हम लोग डिजिटली गेम प्ले करते हैं अपने मोबाइल पे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको कुछ भी अर्निंग जनरेट नहीं होता है, वहां पर सिर्फ आप इंटरटेन होते हो, आपका एक्टिव रहते हो, वहां पे लेवल अच्छा होता है तो वहां पर पॉइंट मिलते हैं, उससे आप कैरेक्टर बाय करते हो, वेपन बाय करते हो, इस तरीके से आप अपने आप को इंटरटेन करते हो, लेकिन अर्निंग का सोर्स वहां से नहीं आता है। लेकिन यूएफओ गेमिंग जो है ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसके गेम को प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे अर्निंग भी होगी। एंड ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इसका जो एक फर्स्ट गेम है रिलीज भी हो चुका है, अभी लाइव चल रहा है, जिसको कि आप प्ले कर सकते हो। और जब इसको आप प्ले करोगे यहाँ पे आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, यहाँ पे आपका लेवल अच्छा होगा, यहाँ पर यूएपी टोकन अर्न करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। इसलिए यूएपी टोकन को यहाँ पे सर्विंग एज ए सेकेंड टोकन बोला गया है, क्योंकि आप गेम प्ले करोगे इसको बाय नहीं करना है, आपको गेम प्ले करोगे तो एज ए रिवार्ड आपको यूएपी टोकन मिल जाएगा। अब बात आती है कि इस यूएपी टोकन को आप करोगे क्या, इस टोकन को आप स्वैप आउट कर सकते हो एनएफटी में, जो इसका एनएफटी भी काफी यूनिक तरीके से है इनका, तो आप एनएफटी को उससे स्वैप कर सकते हो, और उसके बाद एनएफटी को बाय सेल करके वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब जो इसका प्ले टू अर्न तो बेस्ट है ही कि प्ले करके अर्निंग, तो ज्यादा यहाँ ट्रैफिक आ पाएगा। यहीं पर आप बात करते हैं एनएफटी की, तो एनएफटी भी बहुत यूनिक है, तो उसमें भी लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम लोग मेटावर्स टेक्नोलॉजी तो आप लोग जान ही रहे हो, लेकिन इस डार्क मेटावर्स जो है इस टर्म का मतलब क्या है,
तो जैसा कि आपको बताया कि इसका एक गेमिंग जो है अभी लाइव चल रहा है, तो इसका जो है वर्चुअल लैंड भी बाय सेल किया जा रहा है। इसका वर्चुअल लैंड का जो नेम है वो ERC-721 है। इसमें जो बाइंग सेलिंग मेटावर्स टेक्नोलॉजी में लैंड होगा तो उसमें भी आप जो है UAP टोकन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डार्क टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है गाइस कि जैसे कि अभी वर्चुअल लैंड होता है तो आपको एक बस दे दिया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि हम जितना भी गेम डेवलप करेंगे हर एक के लिए सेपरेट यहाँ पे प्लैनेट होगा, मींस कि वर्चुअल लैंड होगा। तो जितना गेम होगा उतना वर्चुअल लैंड सेपरेट किया जाएगा, जिससे कि और भी यहाँ पे ट्रैफिक आएगा। तो आपको यहाँ पर सारा चीज क्लियर होगा कि UFA गेमिंग किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आप इस गेम को प्ले करते हो तो आपको UAP टोकन मिलेगा, उस UAP टोकन को आप कैसे कर सकते हो। इसका NFT मार्केट प्लेस जो है, यहाँ पर इसका कैरेक्टर मिल जाएंगे आपको, वेपन मिल जाएंगे यहाँ पे, उसको आप बाय सेल भी करके वहाँ पर अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब हम लोग गाइस बात करते टोकनॉमिक्स के ऊपर। इनिशियली में इसका टोकन का संख्या था वो 51.5 ट्रिलियन का था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 50% टोकन को बर्न कर दिया गया है। तो अभी करंट सिचुएशन में जो इसका मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई है वो अप्रोक्स 25 ट्रिलियन का है, और टोटल का टोटल यहाँ पर कुछ भी रखा नहीं गया, सारे सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी अवेलेबल है। एंड गाइज यहाँ पर जब UFO को लॉन्च किया गया था तो उसके पहले ना तो प्री माइन किया गया था, ना तो प्री सेल चलाया गया था, ना तो ICO था, ना तो प्राइवेट सेल रखा गया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सब चीजें चलाई जाती तो पहले से लोगों के पास टोकन रहता है तो उसको जब प्राइस ज्यादा आता है तो सेल आउट करते हैं, तो प्राइस बहुत ज्यादा अमाउंट में डंप हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, ये ओनली पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल है। एंड UFA गेमिंग प्रोजेक्ट के पार्टनरशिप की बातें करें तो ये बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप किए हैं, लेकिन जो वर्ड से आप अवेयर हो उसी का डिस्कस करेंगे, और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि इन्होंने जो है मेरिट सर्कल जो कि बाइनांस के लॉन्च पैड पे आया था ये प्रोजेक्ट, उनके साथ पार्टनरशिप है, पॉलीगन के साथ पार्टनरशिप है, और सिवा स्वैप के साथ भी इनका पार्टनरशिप है। और ये जो है पॉलीगन लेयर 2 पे भी वर्क कर रहा है, तो ये मोस्ट स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। तो सारे चीज आपको टोकनॉमिक्स से लेके कि ये प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, किस तरीके से टर्म है, किस तरीके से आगे जाएगा, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगर कंक्लूजन पार्ट की बातें करें कि इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसका प्राइस कितना ज्यादा अभी कम है, और ओनली 1 रुपीज में आप कितना सारा टोकन यहाँ पे बाय कर सकते हो। एक स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्ले टू अर्न सेक्शन का जो प्रोजेक्ट है, मतलब इतना अप देखा जा रहा है प्राइस, तो ये एक बूमिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पे इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि होल्ड कब तक करना है। तो आप अगर 1 ईयर तक होल्ड करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में आपको ये स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी करेंट सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है कि अगर एक अच्छा हाइप क्रिएट होता है, पंप लेता है, तो वहां पे अपने टोकन को आप सेल आउट करिए, और एक हाइप जैसे ही बनता है तो वो जो है थोड़ा सा करेक्शन लेता है, फिर आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं, जिससे आपका टोकन भी बढ़ जाएगा और थोड़ा आपको प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। आई होप सो कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो लोगों ने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए UFA प्रोजेक्ट के लिए, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी कुछ हमको बताना चाहिए था, कुछ छूट गया तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अवसर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।